नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरके गाइड में। आज हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। तो गाइज, आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको क्या करना, सबसे पहले गूगल में जाना है और यहाँ पर टाइप कर लेना है रिमूव बीजी, बी और जी, रिमूव बीजी देकर आपको सर्च कर लेना है। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव इमेज बैकग्राउंड 100% ऑटोमेटिकली एंड फ्री। तो गाइज, ये 100% फ्री है और ऑटोमेटिकली ही किसी भी इमेज का बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए अपलोड इमेज, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको ब्राउजर पर क्लिक कर लेना है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज, मैं अभी फिलहाल ये वाला इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप रिमूव्ड बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दो ऑप्शन मिल रहा है आपको, डाउनलोड एक है, डाउनलोड HD। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइज, ये डाउनलोड हो चुका है। अगर आपको HD डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल चुका है, यहाँ पर देख लीजिए साइन अप फ्री। तो गाइज, आप साइन अप करेंगे उसके बाद ही आप फुल HD में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर साइन अप नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस इमेज पे टच करके होल्ड रखना है थोड़ी देर। तो चलिए हम टच करके रखते हैं होल्ड। तो ये देख लीजिए गाइज, यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। अब आपको क्या करना है, डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे ये इमेज PNG फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर PNG, तो ये PNG फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वहाँ पर। तो गाइज, ये देख लीजिए सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको एक और वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, लेजर देकर आपको करना सर्च कर लेना है, क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो गाइज, यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा आपको। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव इमेज बैकग्राउंड इन जस्ट 5 सेकेंड 100% ऑटोमेटिकली एंड फ्री। तो यहाँ ये भी 100% फ्री है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इमेज अपलोड, आप इस पर क्लिक करके इमेज को अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको, मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पर। तो गाइज, ये अपलोड हो रहा है। तो गाइज, ये देख लीजिए यहाँ पर आप सक्सेसफुली बैकग्राउंड को रिमूव कर चुका है। यहाँ पर देख लीजिए, ये ओरिजिनल फोटो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके HD इमेज पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा गाइज, यहाँ पर साइन अप करना होगा। अगर आप साइन अप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस इमेज को इमेज पर टच करके होल्ड रखना है थोड़ी देर। ये देख लीजिए ओपन हो चुका। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइज, ये डाउनलोड हो चुका है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि इस इमेज के बैकग्राउंड में अपना खुद का एक बैकग्राउंड लगाऊं या अच्छा सा बैकग्राउंड लगाऊं, कलरफुल लगाऊं, तो आपको क्या करना होगा, गूगल में जाना है और सर्च कर लेना है पिक्सावे। तो चलिए ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद ये देख लीजिए यहाँ पर आ चुका है। तो गाइज, यहाँ पर आप टोटली देख सकते हैं 1.9 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर इमेज, वीडियो और ऑडियो अपलोड है, वो भी हाई क्वालिटी में। तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड के लिए सर्च पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड इंटर करके आप क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं। तो गाइज, ये देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड आ चुका है। आपको क्या करना है, बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये देख लीजिए। तो चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं पिक्सावे लाइसेंस में, फ्री फॉर कमर्शियल यूज, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। तो गाइज, आप इस बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके आप YouTube कहीं पर भी दे सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो गाइज, आपको किसी भी प्रकार का कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो आपको क्या करना, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको ये देख लीजिए यहाँ पर सिलेक्ट है, तो आप इसे ही डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप इसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर भी साइन अप करना होगा। तो चलिए हम इसी क्वालिटी को डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपको JPG फॉर्मेट में। तो गाइज, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर लेंगे, आई एम नॉट ए रोबोट। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इमेज के बैकग्राउंड लगा। तो गाइज, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है,
तो ये देख लीजिए गाइज। तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर पिक्सल लैब का एक मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का साइज़ 8.25 MB है। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है तो आपको क्या करना है, ओपन पे क्लिक कर ले। तो इस तरह का आपको पेज दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर में प्लस आइकन पे क्लिक कर लेना है आपको। तो चलिए हम प्लस आइकन पे, उसके बाद आपको क्या करना, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर लेना है आपको। उसके बाद ये देख लीजिए बैकग्राउंड है, तो हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए हम यूट्यूब थंबनेल के साइज़ का सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसे टिक कर लेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पर। तो गाइज अगर आप ये बैकग्राउंड जो यहाँ पर दिया गया है पहले से, अगर आप इसका साइज़ को कम या बड़ा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद इमेज साइज पे क्लिक कर लेना है आपको। उसके बाद कस्टम दिया गया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप साइज को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हमें अभी यूट्यूब थंबनेल के लिए ले लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तो ये देख लीजिए हो चुका है। तो गाइज ये देख लीजिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ले लिया हूँ। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसे लॉक कर देना है। तो चलिए हम इसे लॉक कर देते हैं। तो गाइज ये लॉक हो चुका है। अब आपको फिर से प्लस पे क्लिक कर लेना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आप इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसे क्रॉप कर लेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। आपको क्या करना, राइट बटन पे क्लिक कर लेना। तो ये देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव होकर एक नया सा बैकग्राउंड लग चुका है। तो गाइज इस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बना सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए अच्छा सा बैकग्राउंड लगाकर इमेज को बेहतरीन बना सकते हैं। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। तो गाइज चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।